Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. मैं एक ही वाक्य है, एक ही सेम ही वाक्य है. नहीं, दो वाक्य है. एक तो पर्दे के आने के पहले वाला वाक्य है, तभी भी उमर उसको चिढ़ा रहे थे, नाम बुला रहे थे, ठीक है. और एक जो है पर्दे के बाद वाला वाक्य है. ये देखिए, अब मेरे भाई ये बताओ, एक तो पहले उमर इस तरीके से मोहम्मद साहब की बीवी को रास्ते में रोक कर आवाज देते हैं, सौदा. आप सोचो, आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा करे तो आप क्या करेंगे उनके साथ. अब उससे डर के जो है वो कुरान की आयत आ गई पर्दे की. अब आने के बाद भी उमर साहब जो है वो तो चुप नहीं बैठे. उसके बाद भी फिर वो फिर से आवाज दे रहे हैं कि आपने पर्दा तो किया है, लेकिन अब भी हम पहचान लिया आपको. उसके बाद वो वापस दौड़ी. अरे यार, वो टॉयलेट के लिए जा रही थी, टॉयलेट तो सुकून से कर लेने देते. वो वैसे ही वापस गई डर कर मोहम्मद साहब के पास. फिर उनको वही नाजिल हो गई कि नहीं, आप जा सकते हो. ये क्या चल रहा है? और ये ऐसे शख्स है जो खुल्फाए राशिदीन में से है, दूसरे खलीफा है, जन्नत की बशारत. अल्लाह के बाद कोई नबी होता तो उमर होते. इस तरीके की हरकत पूरा बोंगा. ये दूसरी हदीस जो आपने पढ़ी है कहां पर है? ये है सही बुखारी, हदीस नंबर 4795. इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आज के लोगों का हवाला नहीं देता हूं. आज के लोग तो काफी अच्छे हैं. मैं तो आज के मुसलमानों को बहुत अच्छा मानता हूं. मतलब आप मानते हो कि एक दरिया है जिसमें साफ पानी है, पर जहां से वो दरिया आ रहा है वहां पे साफ पानी नहीं है? ऐसा हो सकता है कि वहां पे गंदगी है? ऐसा हो सकता है कि जहां से दरिया निकल रहा हो वहां पे गंदगी हो, और जहां पर तुम पानी पी रहे हो वहां पे पानी साफ हो? कैसे हो सकता? भाई, मैं कोई पानी नहीं पी रहा हूँ, और जो पानी जो थोड़ा बहुत साफ है उस दरिया की वजह से नहीं है, वो जो बाकी जो मिक्स कल्चर में लोग रहते हैं उसके वजह से वो पानी साफ है. अगर तो वो पानी मतलब? को आपको देखना, एक मिनट मैं उसकी मिसाल देता हूँ. अगर आपको वही दरिया का पानी देखना है तो आपको आईएसएस और तालिबान को देखना पड़ेगा. किसको? वो सेम दरिया का पानी मिलेगा आपको. आप बाकी आप हिंदुस्तान के मुसलमान और बाकी जगह के मुसलमान को आप देखोगे तो वो दरिया का पानी पूरा नहीं आ रहा है. वो बाकी जगह से भी मिक्स होके, अच्छी जगह से भी पानी उनको मिक्स होके मिल रहा है. आपने बात आप मुझे मैं इस चीज का देखिए, मसला ये है ना पूरा बोंगा जी, कि आप किसी तरीके से उमर साहब की जो ये हरकतें हैं, आप उससे अपना जान छुड़ा रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं. आप उसके बारे में बात करिए, आप आज के पानी के बारे में, आज के मुसलमानों के बारे में बात नहीं करिए. बताइए, पानी पीने चले गए क्या? बोंगा जी, पानी पीने चले गए क्या? स्वीटी जी ने भी बहुत जबरदस्त बात की है कि वहां फिल्टर लगा है. और फिल्टर वही है जो मिक्स कल्चर है, वही फिल्टर है स्वीटी जी. जी पूरा बोंगा जी, बताइए. यानी गैर भी नहीं, खुद के लोग ही इस तरीके से परेशान करने लगे, वो भी ऐसा शख्स जो खुल्फाए राशिदीन है, दूसरे नंबर के, उसके ऊपर अल्लाह आयत भेज रहे हैं. और अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, ये जहां तक कि मेरे को समझ में आ रहा है कि उमर के सजेशन पे अल्लाह आयत लेकर आ रहे हैं. हाँ बिल्कुल, कि एक इंसान के सजेशन पे अल्लाह चल रहा है जिसने कायनात को अच्छा बनाया है. पूरा बोंगा जी और अब्दुल्ला जी, इसमें और एक बात गौर करने की है कि जब अब इसमें मोहम्मद साहब को जो उमर से डर था वो भी नजर आ रहा है. आप पूछिए मुझसे क्यों जी, क्यों जी पूछे. अब देखिए, क्यों जब सौदा ने घर पे जाके मोहम्मद साहब के उमर के बारे में बताया कि यार मैं गई थी टॉयलेट के लिए, टॉयलेट भी करने नहीं दिया, सुकून लेने भी नहीं दिया, वहां पे रोक दिया मुझे, तो मोहम्मद साहब को चाहिए ये था कि उमर को बुला के डांटी देते कि आप इस तरीके की हरकत ना करो. वो भी आप ऐसे के साथ हरकत कर रहे हो जो आपकी माँ है, उम्महातुल मोमिनीन में से है ना जी, मुसलमानों में से है. आप अपनी माँ को ही पकड़ के वहां पे उनका नाम लेके छेड़ रहे हो जी. और लीडर हो आप, उनको डांटी देना चाहिए था. मोहम्मद साहब ने डांटी कुछ नहीं दिया उमर को, बल्कि उनको बेहोशी छा गई और उसके बाद आयत उतरी और उसमें कह रहे नहीं आपको इजाजत है. उमर साहब को क्यों नहीं आके बुला के डांटी दिया कि ऐसे छेड़खानी आप मत किया करो? अब इसका जवाब तो हमारे पूरे जी ही दे पाएंगे. और अगर उमर जैसा लीडर ऐसी हरकतें करेगा तो जो फॉलोअर्स हैं वो क्या करेंगे? तो मोहम्मद साहब को तो सबसे पहले एक मतलब एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था.
उमर को बुला के, उल्टा वो उमर से ही डर गए। अच्छा वैसे उन्होंने क्या कहा था उनसे? ओ सौदा, एक मिनट रुको, ओ सौदा आई हैव रिकग्नाइज यू, ओ सौदा मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अच्छा तो इसमें क्या गलत हुआ अगर इतना? अच्छा मुझे बताओ, अच्छा एक मिनट रुको, आपकी बीवी है ठीक है, आपकी बहन है, वो एक रास्ते से जा रही है और आपके कुछ दोस्त लोग है ठीक है, चौराहे पे बैठे हैं, सब बातें कर रहे हैं, डिस्कशन जैसे आमतौर पे होता है, आपकी बीवी जा रही है ठीक है, अब वो आपका दोस्त उसको बुलाएगा, ओ भाभी जी, भाभी जी, अगर सिर्फ इतना भी बोल देगा और आपकी जो बीवी है वो आपको आके अगर इस तरीके से बोले कि ये बीच रास्ते में मुझे आपके दोस्त लोग मुझे आवाज दे रहे हैं, आप क्या करोगे? आप बोलोगे अरे इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, क्या हो गया, बोलने दो। आप नहीं, नहीं, आपने गलती कर दी, यहाँ पर गलती कर दी, मेरा दोस्त, अच्छा या मेरा ससुर जी, क्या बोल रहे हो, ये मेरा दोस्त होगा या मेरा ससुर होगा? कौन? अच्छा हजरत उमर अल्लाह के रसूल के, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के क्या लगते थे? क्या लगते थे? ससुर नहीं लगते थे क्या? तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उल्टा उनको तो फिर और ध्यान देना चाहिए था, सौदा थोड़ी ना उनकी बेटी थी। ससुर है, हफ्सा तो उनकी बेटी थी ना। यहाँ सौदा को छेड़ रहे, खुद की बेटी को नहीं छेड़ रहे, छेड़ रहे इतना कहना छेड़ना होता है? नहीं, आप एक ग्रुप में खड़े हो ठीक है, आपका एक ग्रुप है, आप किसी के, एक मिनट यार, यही तो सबसे बड़ा मसला है ना पूरा बोंगा जी, आप एक ग्रुप में आप वहां पे आप बातचीत कर रहे हो, किसी के घर की औरत वहां से गुजर रही है, महिला गुजर रही है, आप उसको नाम लेके बुलाते हो ठीक है, किसी के घर की, और आप बल्कि मेरे दामाद की दूसरी बीवी, मेरे दामाद की दूसरी बीवी, किसी के घर की नहीं, मेरे दामाद की दूसरी बीवी। एक मिनट, आपके दामाद की दूसरी बीवी हो या कोई भी हो, आप इस तरीके से किसी, एक मिनट सुनो, गलत कह रहे हो पूरा बोंगा जी, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके दामाद की दूसरी बीवी भी अगर होगी तो कोई भी जो है ना दामाद जो है वो पसंद नहीं करेगा कि मेरी बीवी को कोई रास्ते में ऐसे आवाज दे, वो कहेगा कि ठीक है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे घर पे आइए और वहां पे बात करिए। देखो पहले बात समझो, जहाँ जहाँ कहाँ रही थी वो, एक मिनट पूरा बोंगा जी, तो उनको क्या बता दे, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए पूरा बोंगा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज के माहौल के हिसाब से भी अगर आप सोचोगे तो भी एक इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, वो आज के वो जो माहौल है वो तो बहुत पिछड़ा हुआ माहौल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि औरतें कम अकल होती है, क्या? इतना पिछड़ा माहौल है वहां पे इसकी सीवियरिटी कितनी बढ़ जाती है, क्या क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि औरतें कम अकल है? कम अकल मतलब, कम अकल मतलब देखो, आप जो कम अकल बोल रहे हो ना, इसमें भी दो वो होते हैं कि आप कहो कि ये चीज कम है और हम किसी को कंपेरेटिव उसमें लाकर कहें कि ये चीज इससे कम है, तो मतलब कम अकल से मुराद के मर्द के मुकाबले में कम अकल है, मतलब देखो आप जो कम अकल बोल रहे हो ना, इसमें भी दो वो होते हैं कि आप कहो कि ये चीज कम है और हम किसी को कंपेरेटिव उसमें लाकर कहें कि ये चीज इससे कम है, तो मतलब कम अकल से मुराद के मर्द के मुकाबले में कम अकल है। एक मिनट पूरा बोंगा जी, एक मिनट, ये आज का टॉपिक नहीं है। जय भारत जी, आप प्लीज स्ट्रीम छोड़ दीजिए, गालिब भाई को भी ज्वाइन होना है और स्टूडियो फुल दिखा रहा है। जय भारत जी, अच्छा वो निकल गए, गालिब भाई आप आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है एवी जी आपका भी, ठीक है गालिब भाई भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है गालिब भाई आपका भाई जी। पूरा बोंगा जी, मैं इसलिए आया था कि मेरा एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा, मुझे लगा आप लोग उसका जवाब दे दोगे तो मेरा मसला है। लेकिन ये तो बताइए कि उमर साहब की इस हरकत के बारे में, और जो उन्होंने इस बांदियों के साथ जो हरकत की, जो चादर मतलब स्कार्फ पहनी थी वो बांदी, उसको मारकर उसका स्कार्फ निकलवा दिया, यार आप ऐसे शख्स की इधर दिफा करने के लिए आए हैं आप? अच्छा चलो, आपके सामने मैंने हदीस का हवाला भी दे दिया है। मतलब एक बात बताओ, मेरे सवाल का जवाब अभी तक आपने दिया कि अगर अमेरिका की तमाम औरतें पर्दा करने लगे तो क्या मुसलमान पर्दा उतरवा देंगे? ये सिर्फ मुसलमानों का हुक्म है। आपके उमर ने उतरवाया है भाई, अमेरिका तक क्यों जा रहे हो, आपके उमर ने उतरवाया है। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट से हमको लेना देना ही नहीं है, हमारा एतराज जो है वो पास्ट टेंस में है।
एक जी, मिनट बताइए जी, आप कन्वीनियंटली आपके पास जवाब नहीं है तो आप बोल सकते ठीक है मेरे पास जवाब नहीं है, आप कन्वीनियंटली ऐसे। साहिल भाई। हाँ गालिब भाई। हेलो। यस गालिब भाई बोलिए। हाँ, जिस हिसाब से ये भाई साहब आज के मुसलमानों को लेके चल रहे हैं, तो क्या ये इस बात पर राजी होंगे कि इस्लाम का मतलब ही है आपस में एक दूसरे को मारना काटना फिरकों के नाम पे? देखो तुमने सही कहा, टॉपिक चेंज हो जाएगा। सही पूछा बिल्कुल सही पूछा कि हकीकत तो यही है कि ये जो है ये एक्सट्रीमिज्म है कुछ ज्यादा ही, ये कुछ ज्यादा ही, मतलब इंसान खुद को सही समझने लगता है सामने वाले को, जैसे हम एक ही बात कहते हैं उसके क्या ही मतलब निकल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ किसी चेयर पर और मैं किसी से कहूँ कि पानी लेकर आओ, तो उसके जहन में जो चीज़ सबसे पहले आएगी तो उसको पता होगा कि अभी चेयर पर बंदा बैठा है, कहीं से चलकर आया बैठा है तो पीने के लिए पानी मांग रहा है। लेकिन मैं कहीं गाँव जाऊँ और सुबह के वक्त उठ कर आऊँ और उसके बाद जब मैं कहूँ कि पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, तो उस वक्त सबको पता रहेगा कि हाँ ये जुमला सेम है लेकिन जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो जुमला एक हो सकता है लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन, वो ये देखना है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के अतबार से इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ। एक मिनट भाई, आप समझे नहीं, आप इंटरप्रेट सुनिए, आप तर्जुमों की गलियों में मत घूमिए, कोई फायदा नहीं है। अगर आप आज के मुसलमानों को लेके चल रहे हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि इस्लाम का यही है कि आपस में ही दूसरा को छोड़ो, आपस में ही एक दूसरे को मारने काटने के लिए उतारू रहो? नहीं, गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा है। आज के मुसलमानों को आप कौन सही कहता है इसको समझना चाहते हो आज के मुसलमानों को लेके, तो क्यों नहीं मान लेते इस बात को कि इस्लाम का सिस्टम यही है कि काफिरों को तो छोड़ो, आपस में भी एक दूसरे को काटने के लिए तैयार रहना है? नहीं नहीं, ये गलत है। तो हम तो इसको भी नहीं कहते कि काफिरों को मारो, क्यों मारो भाई, बिना वजह के मारो क्या? हवाला मत दो ना भाई, मुसलमानों का हवाला मत दो आज के। एक मिनट, आप काफिरों को मारना सुनना चाहते हैं ना? अच्छा, काफिर का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ आप। नहीं नहीं, ये भाई एक मिनट, टॉपिक चेंज होते जा रहा है बार बार। टॉपिक चेंज मत होने दो, पहले इनसे ये पूछो गालिब भाई के उमर की इन हरकतों के बारे में इनका क्या कहना है। कन्वीनियंटली ये अवॉइड कर रहे हैं और ये आज के मुसलमानों पे आ रहे हैं। आज के मुसलमानों पे हमने एतराज किया ही नहीं, हम तो शुरू से बोलते जा रहे हैं। हमारा सवाल अल्लाह से है, मोहम्मद साहब से है और उन लोगों से है जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी, रजी अल्लाह अनहुम व रदू अन। और मोहम्मद साहब जो है वो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन जो जनरेशन है, दौर है, वो मेरा दौर, फिर उसके बाद वालों का, फिर उसके बाद वालों का। हम उन पे सवाल कर रहे हैं, इसके लिए आप मेहरबानी करके पूरा बोंगा जी, अगर आपके पास जवाब नहीं है और आपको लगता है कि उमर साहब की इस हरकतों को डिफेंड नहीं किया जा सकता तो आप देखो बोल दीजिए भाई, ये इतनी बड़ी हरकत है। देखो, आप इस एक हदीस को लेकर ये साबित करना चाह रहे हो कि वहां का मुआशरा ही, यानी कि वहां का मुआशरा ही ऐसा था, यानी कि वहां की जो सोसाइटी थी। मेरे भाई, आप उमर के बारे में जवाब दीजिए ना, उमर के बारे में आप क्यों नहीं कहते? क्या गांधी को मारकर उसके उसका स्कार्फ हटवाना, ये कहकर कि आप जो आजाद औरतें हैं, क्या कह रहे हो? हाँ, वही दुपट्टा स्कार्फ। हाँ हाँ, हटवाया था तो। हाँ, तो ये छोटी बात है ये। देखो, जब हम बात करते हैं किसकी पास्ट की, जब हम बात कर रहे हैं हजरत उमर की, तो उस वक्त बात करो उस दुनिया की सोसाइटी की। जब बात कर रहे हो हजरत उमर के जमाने की तो बात करो उस दुनिया की सोसाइटी। कह दो पूरा बोंगा जी, ये कह दो कि हजरत उमर, मोहम्मद साहब, ये आज के लोगों के लिए आइडल नहीं है, नमूना नहीं है, मसला ही खत्म। छोड़ देते हम आपको, छोड़ देते हैं। सुनो 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 सुनो, बात सुनो बात सुनो बात सुनो, बात आपने बिल्कुल ठीक कही लेकिन आपने इसको सही से समझा नहीं। देखो, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वो उस जमाने का नमूना थे, क्योंकि देखो बांदी आज के जमाने में नहीं होती, होती क्या बांदी आज के जमाने में? साहब पूरा बोंगा जी, मैं कह रहा हूँ कि क्या वो आज के लिए नमूना है कि नहीं है साहबा, क्योंकि आप जिस फिरके से आते हो ना, देवबंदी फिरका, जरा उनसे जाके चीज देखिएगा कि वो बार बार इस चीज की दावत देते हैं कि साहबा के तरीके पे चलो,
तो जन्नत मिलेगी, तो जन्नत। तो ये सहाबा का आपका तरीका है कि वो जो औरतें जाती है उसको वो आवाज दे के बुलाते हैं, कोई बांधी है तो अगर वो स्कार्फ पहनना चाह रही है, वो पहन रही है तो उसका मार के स्कार्फ निकलवा रहे हैं। और आप इसको जो है कह रहे हो कि वो उस जमाने में ठीक था, किसी अच्छा। भी जमाने में इस अमल को ठीक नहीं कहा जाएगा। कैसी सोच हो चुकी है आपकी? नहीं बात समझो भाई, आज के जमाने में बांदी नहीं है तो बांदी के अहकाम पर बात ही क्यों हो रही है? मैं तो इस पे हमेशा गुस्सा होता हूँ कि जब बांदी आज के जमाने में है ही नहीं दुनिया में तो उस पर क्यों बात हो। आज आज हर औरत जी आपको गुस्सा होना है, आप गुस्सा हो जाइए, कोई मसला नहीं। आप उमर की इस हरकतों के बारे में आप क्या कहेंगे? मीनवाइल रोहित सिंह चौहान जी 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट, ताला पड़ा है अल्लाह के बाद। बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं कि हमारे पूरा बोंगा जी है, इनकी सोच भी कैसी हो चुकी है। फिर भी मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप भाई उमर साहब की हरकत के बारे में आप क्या कहेंगे? सोच की कौन सी बात आ गई? मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सबसे पहले यह हुक्म दिया है कि अपनी नजरें नीची कर लो, सामने कोई भी लड़की हो, किसी भी मजहब को मानने वाली हो, किसी भी खानदान से हो, तुम उसकी तरफ नहीं देख सकते। ये हुक्म है कुरान का। आज आज अगर हम बात करें इस्लाम की और कि कोई मुसलमान की लड़की है तो तुम नजरें नीचे कर लो, अगर मुसलमान की नहीं है तो उसको देखने लगो, उसको भी मत देखो, नीचे रखो, तुम्हारी नजरें नीचे होनी चाहिए, है मुसलमान के लिए हुक्म। एक मिनट भाई साहब, आप ठीक है, आप कुरान का हुक्म सुनाइएगा, अच्छी बात है। फिलहाल आप हजरत उमर की उस हरकत पे क्या कहना चाहेंगे पहले वो तो क्लियर कर दो। तकरीरें बहुत लंबी लंबी होती हैं भाई, वो छोड़िए, वो सुना दीजिएगा कुछ। वो दामाद थे, वो दामाद, वो ससुर थे। अब ये इनके इनके खानदानी रिश्ता था आपस में, वो कोई गैर औरत नहीं थी कि इधर उधर से कोई कोई भी बेचारी कोई गुजर रही है उसको छेड़ दिया, वो उनके खानदान की थी खुद। तो नहीं बोल रहे हैं, और ये एक मिनट खानदान की ही बात पे आ जाए। अगर मान लो कि आपकी जैसे पता नहीं आप गांव में रहते हैं नहीं रहते हैं, शाम को औरतें जाती हैं पकाने के लिए बाहर जाती हैं, तो आपके घर का बंदा आपके घर की किसी लड़की औरत को बोल सकता है कि ओ हो तुम वहां जा रही हो, मैं तुम्हें पहचान लिया? ये नहीं कहा वो हो, उन्हें क्या पता था कहाँ जा रही है, ये नहीं कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, ये नहीं पूछा था। देखो आप हदीस में देखो, उससे पहले कभी सौदा को देखे नहीं थे ना पहचाने थे, ये कैसे पता चला हजरत उमर को कि ये बैतुल खलाई जा रही है? क्या पता कहीं और जा रही हो, क्या सौदा को नहीं पहचानते थे? वो पहचानते थे हाँ, क्यों? क्योंकि वो कि इस काम के लिए वो बाहर जा रही थी। और हैं हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, आ रही है गाली भाई, हाँ आ रही, हाँ भाई। और ये काम पहली बार भी नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है ये काम हजरत उमर का पहली दफा का नहीं था, ये दो बार कर चुके हैं। हाँ, और इससे पहले गालिब भाई पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले की भी हरकत है हदीसों में, पर्दा नाजिल होने के बाद की भी हरकत है। और बल्कि यार मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरीके से दिफा कर रहे हैं कि एक बांदी अपने सर पर दुपट्टा रखी है, स्कार्फ रखी है, और वो उसको मार कर उसका दुपट्टा निकाल कर ये बोल रहे हैं कि आजाद औरतों की मुशाबियत मत करो, उनके जैसे बनने की कोशिश मत करो, और ये कह रहे हैं कि ये सही अमल है। किस तरीके से सही हो गया भाई? बांदी आज के जमाने में है ही नहीं, तो बांदी पर बात ही क्यों कर रहे हो? कोई बांदी आज के जमाने में छोड़ दो ना भाई, आज के जमाने में आईसिस की नहीं है क्या? आईसिस ने नहीं बना रखी, बोको हराम ने नहीं बना रखी। साहिल भाई मुझे इनसे पूछना है कि जो ये बार बार कह रहे हैं कि आज के जमाने में बांदी नहीं है, इस्लाम ने रोका है इस बांदियों को आज के जमाने में? क्या आज के जमाने में जो बांदियां, जो आज के जमाने में जो आपने भी कहा कि आज के जमाने में बांदियां नहीं है, ये इस्लाम ने रोका है कि जो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने रोका है? उनके डर है तो यार, आईसिस की बोको हराम की है तो आज भी है बांदियां, आईसिस वाले आज भी बनाते हैं, आज भी बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं।
लेकिन ये टॉपिक से हटके हो जाएगा। टॉपिक बांधी, टॉपिक जो है आज बांधी है या नहीं है वो नहीं है, टॉपिक हजरत उमर का कैरेक्टर जो है पर्दे को लेकर उस पे है, और आप उसका अब भी दिफा कर रहे हैं। आप बताए नहीं कि जो हरकत थी उमर साहब की सौदा को लेकर और उसके बाद उस बांदी को लेकर, उसको आप किस तरीके से दिफा कर सकते हैं? मैं आज भी ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे एक इंसान इस इन चीजों का दिफा कर सकता है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी से, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 29 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ये भी तुम्हारा पैनल ये कौन? क्रिटिकल रीजनिंग जी है, 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन। हम यही कह रहे हैं कुरान उस जमाने के लिए, बिल्कुल ये भी मैंने उनसे कहा कि ठीक है फिर उस जमाने तक ही इसको रोक दो। पूरा बोंगा जी ठीक है, खैर इतनी बात सुनिए मेरी बात, पूरा बोंगा जी खैर इतनी बात तो समझ आ गई कि आपको हमने बोलने का मौका दिया, इतनी बात तो समझ में आ गई कि आप उमर साहब को अब भी उनकी इन हरकतों को आप डिफेंड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको मानना है ही नहीं ये गलत है तो हम मनवा भी नहीं सकते, आप इसी सोच के साथ आप रह सकते हैं, ये आपके ऊपर। गालिब भाई कुछ लास्ट इनसे कहना चाहेंगे? मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मैं अपनी नजर ही नीचे रखता हूं क्योंकि ये कुरान का हुक्म है, उसके बाद चाहे सामने बहुत अच्छा नहीं, मैं बहुत बुरा हूं ना, नहीं नहीं जो कह रहे हैं जी आप इस्लाम कुरान और प्रॉब्लम सुनिए मेरी बात पूरा बोंगा जी, आप इस्लाम कुरान मोहम्मद साहब और हजरत उमर से लाख दर्जे अच्छे हैं, ये बहुत खुशी हुई आप इसी तरीके से, तो बहुत बड़ी भाई हमारा सुना, तो फॉलोइंग कर रहा हूँ मैं, तो फॉलोइंग भाई नजरें नीचे रखा करो आप, क्या एक मिनट इस्लाम दूसरों की ओर, आप उनको फॉलो कर रहे होते ना तो अब तक अपने अगल बगल के काफिरों पे जिहाद छेड़ दिए होते, ये बिल्कुल गलत है, हर की जैसा नहीं, पक्का नहीं का फॉलो करूं। 9:29 पढ़िए, सही बुखारी 3159 पढ़िए, सही मुस्लिम 4522 पढ़िए, बहुत सारी हदीसें हैं। अच्छा एक बात बताऊं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जब मदीने के अंदर अल्लाह के रसूल गए, ठीक है मक्के को छोड़कर, तो पहले हमला किसने करा था ये बताओ, मुसलमानों ने करा था क्या, दूसरे उनको खत्म करने के लिए आए थे? अच्छा मैं इसका जवाब दूं, पूरा बोंगा जी सबसे पहले जो है, अरे वो मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट अब्दुल्ला जी मुझे ये बताओ पूरा बोंगा जी कि सबसे पहले जो है वो दूसरे के खुदाओं को गालियां देना, बुरा भला कहना, ये किसने शुरू किया था? अगर मैं आपने मुसलमान कभी किसी खुदा को गाली, अरे गलत कहा आपने, मैंने पूरी जिंदगी अगर मैं बता दूं तो वो भी फिर से ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा, सुनिए पहले पूरी बात सुन लीजिए बताएंगे। हाँ तो जब सब पता है आपको तो इतने बड़े बड़े क्लेम क्यों करते हो आप, बेशक, और आपने जो गाली, सुनो पूरा बोंगा जी आपने जो कहा, गंदी गाली, सुनिए मेरी बात पूरा बोंगा जी, अबू बकर ने इतनी गंदी गाली दी है जो कि मैं यहाँ पे उसको बोल भी नहीं सकता हूँ, जो आम अल्फाज में जिस तरीके से यहाँ पे गाली दी जाती है वैसे मैं बता भी नहीं सकता हूँ, तो उनको गुस्सा आया था तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन हाँ उन्होंने क्या क्या देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो इंसान के गुस्से में निकल जाए उसे, देखो वो अक्सर गाली नहीं, अच्छा। गालियां नहीं बका करते थे, उस वक्त गुस्से में आए थे निकल गया मुंह से, नहीं देखो कौन बोल रहा है वो देखो आप, ऐसे शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया में ये अंबिया के बाद, अंबिया और रसूल के बाद सबसे बेहतरीन कोई शख्स है तो वो अबू बकर है। अगर देखो जब आप बड़े पोजीशन पे जाते हो ना तो आपकी छोटी गलती भी बहुत बड़ी मानी जाती है, और दूसरा जब उन्होंने गाली दिया तो क्या मोहम्मद साहब ने उनको रोका? नहीं रोका। सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, जो मेरा पहला सवाल था, पहले हमला किसने करा था, मुसलमानों ने करा था कि दूसरों ने, इसका जवाब मोहम्मद साहब ने पूरी जड़ जो है, एक मिनट, मोहम्मद साहब वो शख्स है जिन्होंने, आप अगर यही कह रहे हो कि मुसलमान, जैसा कि आपने कहा कि अगर मैं उनका फॉलोअर होता तो मैं काफिर को फौरन मारने निकल जाता, तो ऐसा तो कहीं नहीं है, आप खुद बताओ कि पहले हमला किसने करा था, उन्होंने करा था या दूसरों ने भी, बोको हराम आईएसआईएस वाले या जितने भी संगठन ये सब बने हुए हैं क्या करते हैं, जलेबियां बांटते हैं? आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि सबसे पहले मुसलमान
मुसलमानों ने तंग करा था या मुसलमानों को तंग किया गया था? मुसलमानों पर हमला हुआ था, मुसलमानों ने हमला सबसे पहले आपने बोला ना कि किसने किसको तंग किया, मोहम्मद साहब ने किया सबसे पहले तंग। दलील दे दूं क्या तंग किया उन्होंने, बता दूं क्या तंग किया उन्होंने, उन्होंने कब कहा था वो? उन्होंने जो मुशरिक मक्का जो थे उनके खुदाओं को वो बुरा भला कहते थे, यहाँ से पंगा क्या बुरा भला कहते थे? वो नहीं नहीं वो आप बता दो कि अल्लाह के रसूल ने इन अल्फाज में उनके उनके खुदाओं को बुरा भला कहा था, बल्कि सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह से कितनी बात, अल्फाज से क्या लेना देना, जब हदीस में आ गया कि बुरा भला, उनके खुद की जबानी आ गया कि ये बुरा भला कहते हैं हमको, तो वो तुमको डिटेल में उनकी पूरी इकोनॉमी खराब हो जाती, तो इस एंगल से भी देखना चाहिए ना मक्का के लोग थे। एक मिनट अब्दुल्ला भाई, ठीक ओके अब्दुल्ला, मैं दलील दे देता हूँ। गालिब भाई को कुछ कहना है उससे पहले मैं सुपर चैट ले लेता हूं और मैं दलील रेडी करता हूं जब तक मैं गालिब भाई को मौका दे रहा हूं। अजय तिवारी जी 40 रुपीस का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट, कुरान इज ए हिस्टोरिकल बुक नथिंग मोर। बिल्कुल मैं भी यही कहता हूं कि वो हिस्ट्री है, उसको हिस्ट्री की तरह लो, उसको उसको जो है वो अपनी जिंदगी में मत उतारो। नीरज सिंह जी 100 रुपीस का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट, 929 पेश की जाए, बिल्कुल मैं ये भी पेश करने वाला हूँ। गालिब भाई आप कुछ कह रहे थे पूरा बुंगा जी को, रहा था कि ये जो भाई साहब है इनसे सवाल एक छोटा सा, अगर मैं बोलूं कि मोहम्मद एक झूठा शख्स है तो ये बुरा भला कहना हुआ या नहीं? आप साबित करो अपने दावे को। अरे एक मिनट, साबित तो बाद में किया जाता है, फिलहाल बताइए जो मैंने बोला है वो बुरा भला कहा या नहीं, साबित तो बाद में किया जाता है। मैं मेरे नजदीक तुमने अभी कुछ भी नहीं करा, क्योंकि अभी पहले आप साबित करो, अगर साबित नहीं कर पाए तब आपने गलत कहा है, अगर आपने साबित कर दिया तो आप सच बोला। साबित तो बाद में किया जाएगा, फिलहाल जब मैंने ये लफ्ज बोल दिया कि मोहम्मद एक झूठा शख्स है, अल्लाह कोई खुदा नहीं, मैंने बुरा भला कहा। इसमें थोड़ा गालिब भाई मैं ऐड थोड़ा सा इस सवाल को अपडेट कर देता हूं ताकि हमारे पूरा बोंगा जी को समझ में आए। पूरा बोंगा जी, अगर समझो कोई शख्स जाके कोई मस्जिद के बाहर जाके ये कहता है कि मोहम्मद साहब जो है वो रेपिस्ट थे, पहले वो उससे सबूत मांगेगा या उसका कत्ल करेगा? मैं सबूत मांगूंगा, क्योंकि इस्लाम की असल यही है कि इस्लाम सबूत मांगे। आपकी बात नहीं हो रही है इस्लाम, एक मिनट भाई पूरा बोंगा जी, इस्लाम गुस्ताखी पे सबूत नहीं मांगता है, इस्लाम गुस्ताखी पे सीधा सजा देता है, सजा इस्लाम जो है गुस्ताखी पे सजा देता है, बल्कि आज के मुसलमान भी सजा देते हैं अगर कोई गुस्ताखी करता है तो। ये गलत, असल में इंसान सबूत देता ही नहीं ना आज के जमाने में, सीधा बहुतान झूठ बोलता है, सच बोले कोई सबूत दे हम छोड़ देंगे। पूरा बोंगा जी मेरी बात सुनिए, अगर कोई मोहम्मद साहब की गुस्ताखी करता है कोई सबूत नहीं मांगता है, बल्कि लोग जो है रास्ते पे आके आगजनी करते हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बर्बाद करते हैं, कोई उस शख्स से सबूत नहीं मांगता है कि मुझे सबूत दो, यार थोड़ा तो आप सच्चाई का साथ दे के बात को अपनी साफ साफ बोलो। अच्छा एक मिनट, हमारे काफिर क्रिश्चियन है पूरा बोंगा जी, एक मिनट रुकिए भाई, आपने का एक मिनट भाई, मैं मौका दे रहा हूँ ना आपको, पूरा तो मौका दिया हूँ, एक मिनट रुक जाइए करे, जब सुपर चैट आए तो हमको थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा और फिर आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूँ आपकी बात रखने का, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए। काफिर क्रिश जी 200 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट, और अगर आपकी माने तो हिंदुस्तान पर भी मोमिनों ने हमला किया था तो क्या आज सबको मार देंगे क्या? उमर लड़कियां छेड़ रहा है, मोहम्मद सबको जाहिल बोल रहा है और अबू बकर गालियां दे रहा है और ये इनका दिफा कर रहे हैं, वो अजीब है काफिर क्रिश जी। विक्टिम कार्ड एक्सपायर हो गया है, अभी सिर्फ रुपए कार्ड चलेगा, फ्री माइंड जी का कहना है। चलो मैं मोहम्मद साहब ने क्या किया था, जो मैं कहता हूँ कि पूरी जड़ जो है, जो फसाद की जड़ है वो खुद मोहम्मद साहब है, मेरी तहकीक के हिसाब से, उसकी दलील क्या है मैं आपको दे देता हूँ। और अच्छा एक और पॉइंट इसमें, जो मक्का के लोग थे उनका इकोनॉमिक लाइफ भी थ्रेटन हो गई थी, क्योंकि वो जो शहर था वो पिलग्रिमेज पे ही डिपेंड करता था,
और जो मोहम्मद साहब थे वो उन्हीं को इसी चीज पे सवाल उठा रहे थे कि ये सब तो झूठे हैं, तो इस वजह से वो वहां के लोग और थ्रेटेड फील कर रहे थे जी। और अपने कब्जे में लेना था ना मोहम्मद साहब को पूरा जी, वहां सत्ता भी चलानी थी अपनी। हमारे पूरे बोंगा जी, अच्छा एक क्रिटिकल रीजनिंग जी ने भी एक सुपर चैट भेजा था, वो ले लेते हैं। उमर जी ने अगर पर्दा के पीछे छुपे हुए सौदा को पहचाने तो उसका मतलब ये हुआ कि उमर जी सौदा के बहुत ही करीब जाकर सौदा का पता किया। असल में हदीस में आता है कि सौदा जो है वो टॉल लेडी थी, भारी भरकम थी, तो उसके वजह से इजीली वो पहचान में आ जाती थी। अच्छा ये पूरा बोंगा जी, ये तफसीर इब्ने कसीर है, ठीक है, सूरह अनाम की आयत नंबर 198 की ये तफसीर है तालिबन, वो चाहिए तो मैं आयत आपको पूरी दे दूंगा। इसमें देखिए के यहाँ पे मैं है कतादा का कॉल है कि ऐसा हुआ था इसलिए आयत उतरी और मुमानियत कर देगी। इब्ने अभी हातिम में सदी से मरवी है कि अबू तालिब की मौत की बीमारी, गौर से सुनिएगा जरा पूरा बोंगा जी, अबू तालिब की मौत की बीमारी के वक्त कुरैशियों ने आपस में कहा कि चलो चलकर अबू तालिब से कहें कि वो अपने भतीजे यानी हजरत मोहम्मद को रोक दे, वरना ये यकीनी बात है कि अब हम इसे मार डालेंगे, तो मुमकिन है कि अरब की तरफ से आवाज़ उठे कि चचा की मौजूदगी में तो कुरैशियों को चली नहीं, इसकी मौत के बाद मार डाला। ये मशवरा करके अबू जहल, अबू सुफियान, नज़ीर बिन हारिस, उमैया बिन अबी खल्फ, उकबा बिन अबू मुहीत, उमरो बिन आस और अस्वद चले, मतलब नामी एक शख्स को अबू तालिब के पास भेजा कि वो इनके आने की खबर दे और इजाज़त ले। इसने जाकर कहा कि आपकी कौम के सरदार आपसे मिलना चाहते हैं, और अबू तालिब ने कहा बुला लाओ। ये लोग गए और कहने लगे आपको हम अपना बड़ा और सरदार मानते हैं, आपको मालूम है कि, अब देखो इनका तरीका देखो ज़रा कि कितनी रिक्वेस्ट के साथ कितने अच्छे से ये बोल रहे हैं अबू तालिब को कि हम आपको कौम का सरदार मानते हैं, बड़ा मानते हैं, आपको मालूम है कि मोहम्मद ने हमें सता रखा है। देखो कितने परेशान हो गए थे ये लोग, वो हमारे माबूदों को बुरा कहता है। क्या काम कर रहे थे मोहम्मद? वो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हम चाहते हैं कि आप बुलाकर मना कर दीजिए, हम भी इससे रुक जाएंगे। अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, आप तशरीफ लाए। अबू तालिब ने कहा आप देखते हैं आपकी कौम के बड़े यहाँ जमा हैं, ये सब आपके कुंबे कबीले और रिश्ते के हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें और इनके माबूदों को छोड़ दें, ये भी आपको और आपके अल्लाह को छोड़ देंगे। आपने फरमाया खैर एक बात मैं कहता हूँ, ये सब लोग सोच समझ कर इसका जवाब दे, मैं इनसे सिर्फ एक कलमा तलब करता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर ये मेरी एक बात मान ले तो तमाम अरब इनका मातहत हो जाए, तमाम अजम इनकी ममलकत में आ जाए, बड़ी बड़ी सल्तनें इन्हें खुराज अदा करें। ये सुनकर अबू जहल ने कहा कसम है। अच्छा इसके बाद जो है वो ठीक है, एक मिनट दो, ये पूरी तफसीर मैं पढ़ता हूँ, लेकिन इससे इतना समझ में आ गया है कि अब इसके आगे ये है कि मोहम्मद साहब ने उनसे कहा कि आप एक अल्लाह को मान लो, उस पे उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, और अगर तुम हमारे माबूदों को गाली देना नहीं छोड़े तो हम भी आपके माबूदों को गाली देना शुरू कर देंगे। तब जाके वो आयत उतरी के दूसरे के माबूदों को आप गाली मत दो। तो मैं पूरा बोंगा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि जो पूरी जड़ है, जो आपने पूछा ना कि किसने शुरू किया, तो शुरुआत जो की है वो मोहम्मद साहब ने की है। हाँ सॉरी मैं था नहीं, क्या क्या कहा आपने, ये कौन सी हदीस है, कहाँ पर? ये तफसीर इब्ने कसीर, पता नहीं आवाज क्यों, मैं नहीं जानता क्यों कट गई थी। तफसीर इब्ने कसीर में। हाँ अगर कोई और कोजर हो तब उन्हें भी लीजिए, क्योंकि अब ऐसे तो हर बार कोजर सोयार परेशान करोगे आप। हाँ वो भी ठीक है। चलिए पूरा बोंगा जी, कम से कम आपने याद करेगा। नहीं नहीं आपकी बात सही है, हमने काफी मौका दिया पूरा बोंगा जी को अपनी बात रखने का, बात इतनी समझ में आई। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि पहले मुसलमान मोहम्मद साहब पहले, मैंने उसकी दलील दी है। तफसीर इब्ने कसीर आप पढ़ लीजिए, सूरह अनाम सूरह नंबर 6
और उसकी आयत नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको। नहीं, सवाल अभी भी नहीं, जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। मैंने कहा मोहम्मद साहब ने किया है। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि पहले मुसलमानों ने हमला करा था या दूसरों ने। अरे ये तो दिया, मुसलमानों ने करा था, पूरी दलील दे दी। सुनिए सुनिए, ऐसा है कि भाई हमने तो अरे सुनिए, मेरी आवाज आ रही है सल भाई? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हम इन भाई की सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने घुटने टेक दिए हैं और हम कल ही जाके क्या नाम है तो मस्जिद में बैठ के तौबा कर लेंगे और दो रक्का शुक्राने की नमाज अदा कर लेंगे। खुदा हाफिज, अलविदा। नहीं यार जी, जैसे तुमने कहा था कि अगर कोई इस्लाम को फॉलो करेगा तो वो काफिर को मारने चढ़ जाएगा सीधा, तो ये बताओ भाई। अरे भाई हम आपसे हार गए ना, आप दूसरे बंदे को दिया जाए। साहिल भाई यार बड़ा लंबा लंबा वेट कराते हो यार आप लोगों को। चलो मैं दूसरे को मौका देता हूँ। मेरे भाई मेरा एक सवाल जी, तो मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ। अगली टर्न में एक सवाल, आप अगली सिर्फ लास्ट सवाल इसी में आएगा क्योंकि बाकी लोग बहुत देर से रुके हैं भाई। आपको अगर इतना रुका देते तो कैसा लगता हो गया भाई? सिर्फ छोटा सा सवाल है, छोटा सा। अच्छा चलो, मैं आपने जो पूछा ना कि कहाँ अल्लाह कहता है कि गैर मुसलमानों के साथ, आप ये लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे कॉलर को ले रहे हैं, ठीक है? एक मिनट रुकिए। आपने कहा ना कि अगर तुम फॉलो करते तो फौरन बात में चल जाते, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना, ना मैंने पढ़ा, ना मुझे उसका वो मिला। बेशक सिलसिले में है कि हाँ जंग करो उनसे। ये देखिए भाई, ये देखिए सूरे तौबा है, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 है, इसमें क्या लिखा है? Fight those who do not believe in Allah or in the last day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who are given the scripture. Fight until they give the jizya willingly while they are humbled. बहुत सही कहा। अच्छा एक बात बताओ यार, ये जो जिज्या है, एक मिनट, आपने ठीक कहा बिल्कुल। एक सवाल है, लेकिन ये जो जिजिया क्या है, इसके देने का फायदा क्या था उनको, क्या फायदा मिलता था उनको? नहीं फायदा, वो तो टैक्स समाज के जमाने में भी देते हैं। मैं बताऊं फायदा क्या था, टॉपिक चेंज हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, एक लास्ट इनका इनकी मांग जो है मैं वो पूरी कर देता हूँ। उनका फायदा क्या था मालूम है? वो पर्सनल गेन देख रहे थे उसमें। सबूत दूं मैं? इसके बाद फिर भाई दूसरा सवाल प्लीज मत करना, हमें दूसरों को भी मौका देना है। एक लास्ट आपकी एक ख्वाहिश में पूरी कर देता हूँ। सूरह तौबा की आयत नंबर 28 की जो तफसीर है, तफसीर इब्ने कसीर, देखिए उसमें क्या लिखा है, ठीक है? मैं पढ़ देता हूँ। इसमें कहा गया है कि जो मुशरिक है वो नजस है, ठीक है, नापाक है। अब उसकी तफसीर में देखिए क्या लिखा है कि लोगों को भी समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, सही हदीस में है, मोमिन नजस नहीं होता। बाकी रही ये बात कि मुशरिकों का बदन और जात भी नजस है या नहीं, बस जमहूर का कौल ये है कि नजस नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अहले किताब का जबिया हलाल किया है। बाज जाहिरिया कहते हैं कि मुशरिकों के बदन भी नापाक है। हसन फरमाते हैं जो इनसे मुसाफा करे वो हाथ धो डाले। इस हुक्म पर बाज लोगों ने कहा कि फिर तो हमारी तिजारत का मंदा हो जाएगा। ठीक है, सुनने में आ रहा है ना? इसमें कुछ लोगों का कॉल ये था, समझ ये थी कि जो मुशरिक होते हैं उनका बदन भी नापाक है, अगर कोई उससे मुसाफा करे तो उनको हाथ धोना चाहिए। इस पे उन लोगों ने कहा कि भाई अगर ऐसा करते हैं तो फिर हमारे धंधे भी मंदे हो जाएंगे, बिजनेस डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, हमारे बाजार बेरौनक हो जाएंगे। सुनिए, अभी हमारे बाजार बेरौनक हो जाएंगे और बहुत से फायदे जाते रहेंगे। इसके जवाब में अल्लाह ताला गनी व हमीद फरमाता है कि तुम इस बात से ना डरो, अल्लाह तुम्हें और बहुत सी सूरतों से दिला देगा, तुम्हें अहले किताब से जिजिया दिलाएगा और तुम्हें गनी कर देगा। तुम्हारी मसलिहतों को तुमसे ज्यादा रब जानता है। इसका हुक्म, इसके मुमानियत किसी ना किसी हिकमत से ही होती है। ये तिजारत इतने फायदे के नहीं जितना, सुनो ये तिजारत इतने फायदे की नहीं जितना फायदा वो तुम्हें जिजिया से देता है।
इन अहले किताब से जो अल्लाह इसके रसूल और कयामत के मुनकिर है, जो किसी नबी की सही मानी में पूरे मुत्तबी नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश के और अपने बड़ों की तकलीद के पीछे पड़े हुए हैं, अगर इन्हें अपने नबी पर अपनी शरीयत पर पूरा ईमान होता तो वो हमारे इस नबी पर भी जरूर ईमान लाते। इनकी बशारत तो हर नबी देता रहा, इनकी इत्तबा का हुक्म हर नबी दिया, लेकिन बावजूद इसके वो अच्छा ठीक है उन्होंने क्या किया वो एक अलग मसला है। मसला ये है कि जो जिजिया है वो इसलिए कि अल्लाह जो है वो मुसलमानों को गनी करना चाहता है, मालामाल करना चाहता है, ये है असल है। जो हाँ ये आपके सामने मैंने तफसीर इब्न कसीर का हवाला दे दिया है भाई। देखो सुनो भाई, आपने जो बात की है ना, आपने जो बात गाली माइंड को दे रहा हूँ इसके बाद हम दूसरे कॉलर को ले रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि तो अब हमारे ये भाई साहब अब काफिरों से हाथ मिलाने के लिए तो मेरे ख्याल से इन्हें तो अब जेब में साबुन लेके घूमना पड़ेगा हमेशा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहले बात समझो, पहले बात तो सुन लो, सामने वाले को जब तुम कुछ कह रहे हो दावा कर रहे हो तो उसको जवाब भी तो सुन लो कभी। हाँ ठीक है, एक मिनट है आपके पास भाई, फिर हमें दूसरों को भी मौका देना है प्लीज। कुरान ने एक जगह कहा है, ये जो आयत आपने पढ़ी है ना, इन्नमल मुश्रिकून नजसुन फला यक़रबुन अल मस्जिद अल हराम इंशाअल्लाह आमीनी फला यक़रबुन अल मस्जिद अल हराम बाद आमी मादा, ये आयत है ठीक है हाँ। कि वो मस्जिद हराम के पास ना जाए, इसी वजह से जो है सऊदी अरब नहीं जा सकता कोई अगर मुसलमान नहीं है ठीक है। अब वो उनका रूल है वो जिजिया पे आपने पूछा मुझे, एक मिनट अपने क्या नाम है पूरा बोंगा जी, आपने जिजिया पे मुझे पूछा, मैंने जिजिया किस लिए था वो मैंने आपको तफसीर इब्ने कसीर के हवाले से बता दिया, अब उस पे आपको क्या कहना है वो बताइए। अच्छा सुनो, अब मैं तुमको बताता हूँ कि आज के जमाने में टैक्स देते नहीं देते हम। अरे यार टैक्स देते हैं तो किसी से टैक्स हमको दूसरे कोडर पे ले लीजिए, समझा कीजिए इनके मुद्दे कभी नहीं खत्म होंगे, यकीन मानिए खत्म नहीं होने वाले। अच्छा इसको सिर्फ ये बात का जवाब दे दूं मैं, इनको सिर्फ ये बात का जवाब दे दूं कि अगर हिंदुस्तान में कोई टैक्स लेता है तो वो दूसरे आदमी को अमीर करने के लिए नहीं लेता है। यहाँ पे जो तफसीर है उसपे क्या कहा गया है कि अल्लाह तुम्हें मुसलमानों को जिजिए के जरिए से मालामाल या गनी कर देगा, तुम्हारी मसलियत खत्म कर देगा। भाई मेहरबानी आपकी, आप कभी दूसरे स्ट्रीम में जाइएगा आइएगा, क्योंकि हमें दूसरे लोगों को भी मौका देना है ठीक है। मेरे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक आपने कि पहले मुसलमानों ने हमला करा था। यार मिर्जा भाई एक मुझे है ना पत्थर भी लेके बैठना पड़ेगा, टेप रिकॉर्ड दे रहे हैं क्या यार ये टेप रिकॉर्ड से फेंक के मारा जाता है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे अभी, एक पत्थर भी लेके बैठना पड़ेगा पूरा बोंगा भाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात। हम लोग इस सवाल पे हार मान लिए ना। एक घंटे के ऊपर इनको डेढ़ घंटा दिया और ये कह रहे कि ये गलत है, यार कितना हम देंगे मौका। आपने उनको उनको बोला भी कि भाई अगर सामने शुरुआत कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मुद्दा चेंज करते रहना है तो फिर 10 दिन लगातार दूंगा तो ही बेकार है। बेकार है, सही बात है, काफी किसी ने सही सही। अब हमने फिर भी उनकी उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम आउट ऑफ द टॉपिक जाकर मैंने उनको 2 से 3 दलीलें अलग अलग चीज की दी है, फिर भी उनको लग रहा है कि हमने मौका उसको या कुछ नाइंसाफी की है, लोग डिसाइड कर लेंगे।